Hello everyone, welcome to Sacred Gurukul. This is the PYQ series, paper number 3, part 2 of 01-2019. This paper is common for the civil engineering, mechanical engineering as well as electrical engineering. General studies ka paper hai ye, paper number 3 jo hota hai. Aur paper 4 bhi aapka civil, mechanical, electrical ke liye common hote hain. तो कुछ इस तरीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पार्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ये आपका पार्ट टू है. पार्ट वन में 1 से लेकर 25 तक डिस्कस किया था. नेक्स्ट 26 हम आगे कंटिन्यू करेंगे. सेक्रेट गुरुकुल पे आपको क्या क्या मिलेंगे? स्पेशल क्लासेस, प्रीमियम कोर्सेस, पीडीएफ नोट्स, क्विजेज, लाइव स्ट्रीमिंग, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन, टेस्ट सीरीज. स्पेशल क्लासेस इज टोटली फ्री, देयर इज नो एनी चार्जेस. गॉट इट? प्रीमियम कोर्सेज का एक मिनिमम चार्जेज होता है. पीडीएफ नोट सारे के सारे मिल जाएंगे. क्विजेज आपके फ्री हो जाते हैं एंड लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाते हैं. उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशन होता है. एवरी 8-10 लाइव क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है 8-10 क्लास के बाद. एंड टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज आपको सेल्फ असेसमेंट जरूरी होता है. जिन लोगों ने सेक्रेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मस्ट डाउनलोड द सेक्रेट गुरुकुल ऐप. कुछ मान लें कि बीपीएससी एई अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको खुलेगा. बीपीएससी एई कोर्सेज एंड दीज आर द पैरामीटर्स के सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया. ये क्विजेज जो है वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए अवेलेबल है और टोटली फ्री है. हर सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज अवेलेबल है. तो सिविल के लिए कोर्सेस अवेलेबल है, मैकेनिकल के लिए कोर्सेस अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल के लिए कोर्सेस अवेलेबल. कुछ इस तरीके के प्राइस भी अवेलेबल है. एंड देखिए यहाँ पे आपका जो क्विजेज है टोटली फ्री है. आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आपका है, व्हाट्सएप, इस जगह पर शेयर कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेस एंड ऑल. अगर किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस नंबर 9810935295. यह कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. इस तरीके कुछ कोर्सेज आपको ओपन होंगे जब आप क्लिक करोगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो कुछ तरीके से ओपन होंगे. तो लास्ट में एक गलती से एक क्वेश्चन नंबर 22 था वो गलत मार्क हो गया था. उसका ऑप्शन हमने बी मार्क कर दिया था. उसको यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं पहले कि 22 का जो नोबल प्राइज की बात क्या था, नोबल प्राइज की बात क्या था फिजिक्स में इन 2021 फॉर द वर्क ऑफ, आपको अलग अलग चार ऑप्शंस दिए गए थे. तो हमने वहां पे लास्ट टाइम जो गलती किया था वो बी ऑप्शन दिया था. बट द करेक्ट आंसर इज द रैंडम फिनोमेना, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो डी इसका जो है वो सही जवाब है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 26 से, तो रिगार्डिंग आकाश प्राइम दैट इज ए न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल कंसिडर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो तीन तरीके का स्टेटमेंट दिया हुआ, तीनों में से करेक्ट चूज करना है आपको कौन सा स्टेटमेंट सही है. इट इज ऑक्यूपाइड विथ एक्टिव रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ सीकर फॉर द इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी. इट्स रेंज कैपेसिटी इज ऑफ द 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर. इट यूजेज रडार सिस्टम दैट ऑफर 360 डिग्री कवरेज. तो इसमें से कह रहा है कि जो आकाश प्राइम के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका जो सबसे स्टेटमेंट सही है वो सिर्फ और सिर्फ पहला नंबर स्टेटमेंट से, दैट इज द ओनली वन. इट इज इक्विप्ड विथ एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ जिसको कहते हैं सीकर फॉर द इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी. यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वन नंबर ही सही, बाकी दोनों सही नहीं है. बाकी की डिटेल्स में आपको जानना ये भी जरूरी है, इसका रेंज कैपेसिटी क्या, बाकी मतलब टर्म्स, काफी सारे टर्म्स हैं जो कि आपको इसके बारे में जो अपकमिंग एग्जाम्स है वहां पर पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होती है. Which Indian company is to launch new COVID-19 vaccine under the brand name of Covovax? तो अभी इंडियन कंपनी की अगर हम बात करें तो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया Covovax जो लॉन्च किया था वो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं. तो बी इज द करेक्ट आंसर. अच्छा यहाँ पे आ जाइए, बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. Which is the first country to have captured and released the audio from Mars? कौन सा कंट्री? चाइना. ये तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा तो उसको बताने की जरूरत, दैट इज द यूएस. एकदम सिंपल है, सोचना ही नहीं था आपको यूएस. ए मैसिव डेटा लीक हैज बीन विटनेस्ड बाय विच नेटवर्किंग रिसेंटली? व्हाट्सएप, ऑरकुट, ट्विटर, फेसबुक. ऑरकुट तो अब आपने सुना ही नहीं होगा, ऑरकुट का नाम ट्विटर, फेसबुक एंड व्हाट्सएप है. तो आपको अभी रिसेंटली जो पता होगा कि फेसबुक का डेटा लीक हुआ था, तो ये डी मार्क जुबर्ग. ठीक है, नेक्स्ट. यूनिकॉर्न इज द नेम ऑफ विच स्पेस बॉडी दैट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड एट 1500 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो यूनिकॉर्न की बात किया जाए तो दैट इज द ब्लैक होल. 1500 लाइट ईयर की बात करें, पृथ्वी से दूर की बात करें, तो दैट इज द ब्लैक होल. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? नेक्स्ट.
व्हाट डू वी कॉल अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर, व्हाट डू वी कॉल कलेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर लोकेटेड विद इन ए लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ ईच अदर एंड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इंटरनेट, इंट्रानेट, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. तो दैट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, टू और मोर कंप्यूटर की बात कर रहा है, विद इन ए लिमिटेड डिस्टेंस, दैट इज अ लैन कहते हैं इसका, लोकल एरिया नेटवर्क है, कहीं कहीं लैन भी लिखा हो सकता है, एल ए एन, ये भी ऑप्शन सेम ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है. मॉडम स्टैंड फॉर वॉट, मॉडम का फुल फॉर्म पूछा है कि मॉडम मॉड्यूलर और डी मॉड्यूलर होता है या क्या ऑप्शन है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सही है, मतलब जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, मॉडेम, ठीक है. मॉडेम जो आप यूज करते हो ना इसके लिए, वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए जो मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं वही मॉडल, मॉडेम की बात कर रहे हैं. What do we call a computer on a network that requests file from another computer? क्या पूछा है कि what do we call a computer on a network that requests files from another computer? Client कहलाता है, तो yes, be obvious है कि पहला option ही सही, client कहलाएगा, host, router, web server, नहीं, A is the correct option, client कहलाता है, ठीक है. मतलब ये सब चीजें जो है ना एक बार में ऑप्शंस आते हैं. विच इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, एचटीटीपी, एफटीपी, एसटीपी, आईपी, तो एचटीटीपी भी सुना होगा, एफटीपी भी, आईपी भी होता है. एसटीपी इज नॉट ए प्रोटोकॉल ऑफ एनी इंटरनेट, एसटीपी इज नॉट द प्रोटोकॉल ऑफ, नॉट वर्ड यूज किया, अगर ये वर्ड यूज किया होता विच इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो पहला वाला भी है, बी भी है और आईपी तो है, ठीक है, आईपी एड्रेस बोलते हैं, एचटीटीपीएस बोलते हैं, वेबसाइट के पहले लगा होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एच टी टी पी वी प्रोवाइड एट ए बिगिनिंग ऑफ एनी साइट एड्रेस स्टैंड फॉर वॉट, जो एच टी टी पी एस भी लिखा होता है, एच टी टी पी भी लिखा होता है वेबसाइट के शुरू में, तो वो ट्रस्टेड वेबसाइट होता है, एस एस एल यूज करने के बाद एच टी टी पी लगता है उसमें, जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें एस एस एल लगाते हैं सिक्योर, सिक्योरिटी पर्पज से, तो वही चीज को पूछ रहा है कि एच टी टी पी स्टैंड फॉर वॉट, किस चीज को एड्रेस करता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम, आईबीएम के द्वारा कौन सा है, तो ओएस 2, ये ए इज द, विंडोज नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स नहीं है, ओएस स्लैश 2, ठीक है. व्हाट इज ए स्पाइडर, स्पाइडर क्या है, ये वो वाला स्पाइडर की नहीं बात कर रहे हम, कंप्यूटर से रिलेटेड स्पाइडर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज द वायरस एक तरीके का, या फिर वेबसाइट प्रोग्राम, तो क्या कर रहा है, ए हैकर हु ब्रेक्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज द स्पाइडर, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो एग्जाम्स में क्या होता है, आपको ऑप्शंस पे भी ध्यान रखने की किस तरीके का ऑप्शन पूछा गया है. अब प्रोग्राम नीदर रिप्लिकेट or copies itself but does not damage or compromise the security of the computer, which computer virus is it, joke program, worm, trojan or hoax. So trojan ek tarike ka virus hai, trojan ek tarike ka virus hai, yahi kar raha hai ki, theek hai, copy itself, jaise ki aapko folder ka folder ban jata hai, agar system mein aapne dekha hoga to ek hi folder ke multiple of folder bante jate hain, to wo kaun sa trojan virus kehlata hai. सर्जन कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू द कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ मैनुअली, द टेक्नोलॉजी इज नोन एज व्हाट, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और सिमुलेशंस, फॉरकास्टिंग, क्या कहलाता है. तो जो सर्जन्स की बात करते हैं, जो आज के टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, वो हमारा रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहलाता है. कौन सा टेक्नोलॉजी कहलाएगा, रोबोटिक टेक्नोलॉजी कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर बिट ऑफ डेटा एट ए लिमिट, कितना बिट, 2 बिट की बिट्स की बात करता है, 4 बिट्स की बात करता है, 8 की बात करता है, 8 बिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन. पैरेलल पोर्ट कैन ट्रांसफर 8 बिट ऑफ द डेटा एट ए लिमिट. एज पर हिस्टोरियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा संस्कृति, या फिर देखो ये हिस्ट्री का पार्ट है, थोड़ा सा क्वेश्चन अभी हिस्ट्री, अभी तक जो अभी क्वेश्चन हमने देखे थे वो मोस्टली रिलेटेड टू द फिजिक्स क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, करंट अफेयर थे, मतलब 40 क्वेश्चन इन्हीं से आए थे,
ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया हिस्ट्री से आपको यहाँ पे, तो जो पहला ही ऑप्शन सही है, एज पर द हिस्टोरियन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव द मोस्ट इंप्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम, जो सबसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए तो मोहनजोदाड़ो, ठीक है। नेक्स्ट वन, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc इन बेंगलुरु वॉज एस्टैब्लिश इन 1909 विथ एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम जमशेद जी टाटा, या फिर टाटा कह सकते हैं, जमशेद जी टाटा एंड कृष्णा राजा वॉडियर फोर। तो 1904 में स्टार्ट किया गया था IISc बैंगलोर, अभी IIT बैंगलोर भी कहते हैं लोग उसे, IISc बैंगलोर एक ही चीज है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर ऑफ 1921 फॉर हिज वर्क ऑन विच थ्योरी, अगर हम थ्योरी की बात करें तो दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, 1921 में जो उनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट वन, नाइल्स बोहर पुट फोर्थ हिज मॉडल ऑन एटम इन द ईयर ऑफ 1915, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिज मॉडल इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर भी मैंने बता दिया है पहले ही, मतलब आपको दिख गया कि सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टार्क एंड जीमन इफेक्ट कुड बी वेल एक्सप्लेन्ड यूजिंग द बोर्स थ्योरी, ये भी फिजिक्स का ही सवाल है आपका। नेक्स्ट वन प्लीज, क्वेश्चन एक्चुअली क्वेश्चन और जो एक्सप्लेनेशन है वो आगे पीछे हो गया था, पहला स्लाइड ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ए गवर्नमेंट, क्या हो जाएगा परमानेंट फीचर, दैट इज द वोटिंग, क्लियर हो गया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, एकदम बहुत ही बच्चों वाला सवाल है ये। वॉट इज द मीन्ट बाई सोशल जस्टिस, क्या होता है सोशल जस्टिस। ऑल शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स, ऑल शुड हैव द सेम इकोनॉमिकल राइट्स, तो ऑल शुड हैव द सेम पॉलिटिकल राइट, दैट इज द सोशल जस्टिस, दिस इज क्लियर। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन इन विच गवर्नमेंट इज पॉपुलरली इलेक्टेड, लिबर्टी इज गिवेन द हाइएस्ट वैल्यू, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर प्रिवेल्स, तो तीनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व आर वॉट हाउ वेन, कौन सा हो जाएगा, वॉट हाउ एंड फॉर हूम। द थ्री फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम एवरी ह्यूमन सोसाइटी मस्ट कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व आर वॉट हाउ एंड फॉर हूम, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, द टर्म recessions refer to what, high employment, high unemployment, high supply and demand, low supply and demand, so that is the high unemployment, the recession ki baat karte hain to recession mein kaun sa tha, high unemployment। next one ki agar hum baat kare, the ultimate goal of economic science is to what, isme se char option aapko diye gaye hain ki ultimate goal of economic science ki agar hum baat kare to kaun sa ho jayega, bataiye। Do you have any idea? Improve the living standard of people. Improve the living standard of people. That is the A is the correct option. Clear? Next. तो आपके नेक्स्ट क्या, तो 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अगर इनमें इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पेपर नंबर 4, जो आपको पेपर 4 012019 का, वो भी कवर करेंगे एक एक करके, वही 25, 1 से 25 और फिर 26 से 50। उसके बाद पेपर 5 होगा, पेपर 6 होगा, तो वन बाय वन सारे के सारे पेपर कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो अभी आपका एक अपकमिंग में 19 के एक और पेपर हुआ है लास्ट में, अभी जस्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले, फिर उसके बाद उसको भी कवर करते जाएंगे। इस तरीके से आपका PYQ सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा, अभी तो एक ही कंप्लीट हुआ है। अगर किसी को कोर्सेज के बारे में जानना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द 9810935295 थ्रू द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम ग्रुप है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, जिससे कि किसी भी तरीके का अपडेट से अनकमिंग कोई भी चीज है वो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि 2020 का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें काफी हेल्पफुल रहेगा सारी चीजें। थैंक यू।